नमस्कार बच्चों। नमस्कार फूल कुमारी दीदी। अरे वाह, बड़े खुश नजर आ रहे हो। अपनी खुशी का राज जरा हमें भी तो बताओ। दीदी, आज हमारा फुटबॉल मैच था एक दूसरे स्कूल के साथ और हमारी टीम जीत गई। अब हम प्रतियोगिता के फाइनल राउंड में खेलने जा रहे हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी खबर है, शाबाश। हाँ दीदी, आपको पता है हमें तो लग ही नहीं रहा था कि हम जीत पाएंगे, क्योंकि वह दूसरी टीम अपने सारे मैचों में अच्छा खेल रही थी और पिछले साल तो उन्होंने फाइनल्स वाली ट्रॉफी भी जीती थी। पता है दीदी, जब खेल चल रहा था तो उनके सारे खिलाड़ी हमसे ज्यादा खुद आपस में ही उलझने में लगे रहे। तो ये बात थी। आपको क्या लगता है दीदी, उनकी टीम में इतनी तूतू मैमी क्यों होने लगी? इसका जवाब तो मैं नहीं जानती, पर ये कह सकती हूँ कि इस तूतू मैमी से उनके खेल पर बहुत बुरा असर पड़ा होगा। जीतना तो वे सभी चाह रहे थे दीदी, चाहे आपस में बहस कर रहे हों, तो भला उसका असर खेल पर क्यों पड़ा दीदी? अच्छा, एक कहानी सुनाकर समझाती हूँ तुम्हें, सुनना चाहोगे? हाँ हाँ दीदी। कुछ ही साल पुरानी बात है, एक गांव में एक किसान और उसके चार पुत्र रहते थे। किसान की पत्नी तो पहले ही इस दुनिया से जा चुकी थी, तो खेती के साथ साथ घर का सारा काम भी किसान ही करता था। और किसान अपने बेटों से बहुत प्यार करता था, उन बच्चों के लिए तो माता भी वही था और पिता भी। पर उसको बस एक बात अपने बेटों की बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। वो क्या दीदी? वो ये कि वे चारों पुत्र आपस में बहुत झगड़ते थे। किसान को लगता रहा कि अभी तो बच्चे छोटे हैं, इसलिए इतना झगड़ते हैं, बड़े होने पर जब वे समझदार होंगे तो अपने आप ही उनकी यह लड़ने की आदत छूट जाएगी। पर कुछ साल बीतने पर भी ऐसा हुआ नहीं। वे चारों बड़े हो गए थे पर जरा जिम्मेदार न बने, अपने पिताजी की भी काम में जरा मदद नहीं करते थे, उल्टा जंगली कुत्ते बिल्लियों की तरह आपस में सारे दिन लड़ते रहते। अरे रे रे। किसान बच्चों को समझाने की बहुत कोशिश करता था, पर पूरे दिन खेती और घर के काम में उसके पास इतना समय ही नहीं बचता था। देखते ही देखते बच्चे और लापरवाह होने लगे और किसान भी इतने काम के बोझ के तले और बढ़ती उम्र के साथ कमजोर होने लगा था। वह बूढ़ा होने के बावजूद हल चलाता, अनाज लाकर खाना पकाता, पीने का पानी भरता, हर छोटे से छोटा काम वो ही करता था। समय यूं ही बीतता रहा। एक दिन किसान को थोड़ा बुखार हो गया तो वह खेत पर ना गया, घर पे ही आराम कर रहा था। और खटिया पर लेटे लेटे जब एक बार फिर उसने अपने नौजवान बेटों को जानवरों की तरह लड़ते देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। वह मन ही मन सोचने लगा, मेरी उम्र तो इतनी जल्दी निकल रही है जैसे समय का पहिया सिर्फ मेरे लिए ही तेज हो गया हो, पर मेरे बेटे ये है कि बड़े ही नहीं हो रहे हैं। वे चारों अब भी इतना लड़ते झगड़ते रहते हैं, न मेरी कुछ मदद करते हैं, बस अपने में ही लगे रहते हैं। न जाने मेरे जाने के बाद इनको कौन संभालेगा। मुझे कुछ तो करना ही होगा, क्या पता भगवान इस जीवन की डोर कब खींच ले। दीदी, पिताजी तो सही बात कह रहे हैं बिल्कुल। हाँ, तो फिर यही विचार कर किसान ने अपने बेटों को आवाज दी, बेटो जरा इधर आना एक मिनट। फिर वे चारों अपनी सुस्त चाल से चलते हुए एक एक करके आए और बोले, क्या हुआ पिताजी? मैं चाहता हूँ कि तुम सब मेरे साथ कुछ समय के लिए यहाँ पर बैठो। फिर वे चारों बैठ गए और एक बेटा बोला, लो पिताजी हम बैठ गए, अब कहिए। मैं जानता हूँ कि आप हमारी लड़ाई देख रहे थे, पर गलती मेरी नहीं थी, भैया। देखो बेटा, किसान ने बेटे की बात काटते हुए कहा, तुम चारों मेरी एक बात ध्यान से समझ लो, अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मेरे में पहले जैसी ताकत अब नहीं रही। अगर कल को अचानक मुझे कुछ हो गया, मेरे हाथ पैर चलना बंद हो गए या मैं गुजर गया,
तो मुझे नहीं लगता कि तुम चारों अपना गुजारा खुद कर पाओगे। तुम्हारी माँ के जाने के बाद मैंने तुम सबको बहुत प्यार देना चाहा, पर यही लाड़ प्यार और मेरा तुम्हें न डांटना ही तुम्हारे नाश का कारण न बन जाए बेटा। ना तुम सब हल चलाना जानते हो, ना खाना पकाना, हमारे खेत का भी क्या होगा। हमेशा की तरह चारों बेटे सिर झुकाए हुए अपने पिताजी की बातें सुन रहे थे। फिर किसान ने आगे कहा, सबसे दुख की बात तो ये है कि तुम चारों आपस में मिलजुल कर भी कुछ नहीं कर पाते। या तो खुद अपने में लगे रहते हो या एक दूसरे से झगड़ते रहते हो। इस पर एक बेटा बोला, पिताजी हमें माफ कीजिए, हमें आपकी बढ़ती उम्र में काम में आपका साथ देना चाहिए। बस आप मुझे अपने भाइयों के साथ काम जैसे ही बताते हैं समस्या वहीं खड़ी हो जाती है। मैं आपके साथ खेत पर जाने को तैयार हूँ, पर आप हमेशा चारों को साथ में ले जाना चाहते हैं और हम लोगों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती पिताजी, इसलिए हम में से कोई भी खेत पर पहुंचता ही नहीं है। किसान को ये सुनकर दुख हुआ, पर अपना दुख छुपाते हुए अपने बेटों से वो हंसते हुए बोला, बस इतनी सी बात? कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हें अभी कुछ समझाता हूँ, उसके बाद तुम लोग जैसा चाहोगे वैसा ही करेंगे। बारी बारी से खेत पर तुम्हें बुला लिया करूंगा, ठीक है? ये सुनते ही बेटों के चेहरे पर चमक आ गई और फिर उन्होंने नफरत भरी नजरों से एक दूसरे को देखा और मुंह दूसरी ओर मोड़ लिया। अब किसान खटिया से धीरे से उठा और कुछ पतली पतली सूखी लकड़ियां लेकर उन चारों के हाथों में एक एक थमा दी। इन लकड़ियों को एक एक करके तुम अपने हाथों से तोड़ने का प्रयास करो। बेटों ने फटाफट लकड़ी ली और चटाक चटाक चटाक, चारों ने लकड़ी फट से तोड़ डाली। अरे ये तो बहुत आसान था दीदी। हाँ, पर किसान ने अब की बार उन्हीं लकड़ियों के टुकड़े उठाए और अब उनका एक गट्ठर बना दिया और उसे एक रस्सी से कस कर बांध दिया और अपने सबसे छोटे बेटे के हाथ में वह गट्ठर देते हुए बोला, अब इसको तोड़ कर दिखाओ पहले वाली लकड़ी की तरह। छोटे बेटे ने खूब ताकत लगाई पर गट्ठर टूट ही नहीं पाया। उसकी नाकामयाबी देखकर बाकी बेटे हंसने लगे। किसान कुछ न बोला, बस उसने वह गट्ठर अब दूसरे बेटे के हाथ में थमाया और बोला, कोई बात नहीं, वो छोटा है, तुम कोशिश करो और इस गट्ठर की लकड़ियों को तोड़ के दिखाओ। फिर गट्ठर उससे भी नहीं टूटा क्या दीदी? हाँ, उससे भी नहीं टूटा। अब की बार बचे हुए दो भाई फिर हंस रहे थे और फिर किसान ने वही किया, गट्ठर आगे तीसरे बेटे के हाथों में पहुंचा दिया, पर जब उससे भी गट्ठर न टूटा तो सिर्फ बड़ा बेटा ही हंस रहा था, बाकी तो अपनी नाकामयाबी देखकर पहले ही चुपचाप खड़े थे। अब बारी चौथे सबसे बड़े बेटे की थी। उसने बड़े विश्वास से गट्ठर खुद ही अपने भाई के हाथ से छीन लिया और तोड़ने का प्रयास करने लगा। फिर दीदी गट्ठर टूट गया क्या? काफी देर प्रयास करा पर गट्ठर की एक भी लकड़ी पर जरा सी भी चोट न लगी। और फिर क्या था, बाकी तीनों छोटे भाई उस पर जोर जोर से हंसने लगे। वो तो होना ही था। फिर क्या हुआ दीदी? फिर किसान ने वह गट्ठर वापस ले लिया और सभी बच्चों से कहा, ये लकड़ियां जब अलग अलग थी तो कमजोर थी, तुम में से किसी को भी इन्हें तोड़ने में जरा समय न लगा, पर जब वही लकड़ियां एकजुट मिल गईं, तो तुम बिल्कुल भी उन्हें हानि नहीं पहुंचा पाए। देखा कितनी कोशिश के बाद भी एकजुट मिलकर रहने में कितनी ताकत होती है। तुम अकेले कितने भी कमजोर हो, पर अगर तुम चारों भाई आपस में मिलकर एक होकर जमाने का सामना करोगे तो तुम किसी भी मुश्किल का सामना करने को तैयार होगे, तुम्हें कोई भी हानि नहीं पहुंचा पाएगा बेटा। जी पिताजी, हम समझ रहे हैं आप हम सबसे क्या कहना चाह रहे हैं। देखो बच्चों, मेरे बाद अगर तुम सब एकजुट होकर नहीं रहोगे, एक दूसरे का सहारा नहीं बनोगे, तो इन अकेली लकड़ियों की तरह टूट जाओगे, और अगर मिलकर
एक होकर रहोगे तो कोई भी हमें हरा नहीं पाएगा पिताजी। हाँ पिताजी, हम एक होकर रहेंगे। बढ़िया, संगठन में ही शक्ति होती है, हमेशा याद रखना ये बात। ये बच्चों की तरह लड़ाई झगड़ा करना छोड़ो, अब तुम बड़े हो गए हो, एकजुट होकर एक मजबूत लकड़ियों का गट्ठर बनो। कल से ही हम चारों आपके साथ इकट्ठे खेत पर चलेंगे पिताजी। ये बोल चारों आपस में गले लग गए और ये दृश्य देखकर जैसे किसान का तो बुखार भी भाग गया, वो भी खुशी से खड़ा हो उनके गले लग गया। खत्म कहानी। वाह, बच्चे सुधर गए। हाँ, तो अब समझे कि तुम्हारे साथ वाली टीम तुमसे बेहतर और ज्यादा अनुभवी होने के बाद भी तुमसे क्यों जीत नहीं सकी। हाँ दीदी, क्योंकि वे आपस में बस झगड़ा ही कर रहे थे और अपने उद्देश्य की तरफ एकजुट होकर नहीं चल रहे थे। शाबाश, तो बस संगठन में ही शक्ति है, यह सीख लेकर आगे बढ़ो और पक्का तुम सब फुटबॉल के फाइनल मैच में ही नहीं बल्कि जीवन के हर पड़ाव में भी जीत जाओगे। बहुत बढ़िया कहानी और सीख थी ये तो दीदी। मैं ये कहानी अपनी टीम के बाकी लोगों को भी सुनाऊंगा ताकि हम सब एकजुट होकर जीतने का प्रयास करेंगे फाइनल में। बिल्कुल सुनाना और मैच के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं भी अपने साथ ले जाना। जाओ आप लोग प्रैक्टिस करो और अब मैं भी चलती हूँ, अगले हफ्ते फिर मिलूंगी। धन्यवाद। धन्यवाद दीदी।